प्रेरणा कथा। नौकर राजा एक बहुत ही लोकप्रिय राजा था। उसके राज्य में सभी कुछ ठीक चल रहा था, लोग भी अपने राजा से प्रसन्न थे। नाम कीर्ति और यश होते हुए भी वो राजा चिंतित रहने लगा। वो कई दिनों से विचार कर रहा था कि उसको अपना राजपाट छोड़कर अध्यात्म में लग जाना चाहिए। राजा के समक्ष सबसे बड़ी समस्या थी कि वो किसको अपना उत्तराधिकारी चुनकर राजगद्दी पर बैठा दे। उनका अपना पुत्र बहुत छोटा था, इसलिए उसको राजा नहीं बनाया जा सकता था। अंत में राजा एक दिन अपने गुरुजी के आश्रम में गया। राजा ने अपने गुरु को अपने विचारों के बारे में बताया। राजा के विचारों को बहुत ध्यान से सुनने के बाद राजा के गुरुजी ने कहा, हे राजन, अगर तुम अपने राज्य की बागडोर किसी को सौंपना ही चाहते हो तो वो हमारे हाथों में क्यों नहीं दे देते? क्या मैं राजा बनने के योग्य पात्र नहीं हूं? राजा ने खुश होते हुए हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, भला आपसे योग्य कौन हो सकता है? ये तो मेरा और मेरे राज्य की जनता का सौभाग्य होगा। लीजिए, आज से और अभी से ही मैं आपको अपने राज्य का राजा नियुक्त करता हूं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो राजन अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास तो अब ना राज्य है और ना ही राजमहल। राजा ने कहा, महाराज, मैं खजाने से कुछ पैसे ले लूंगा और अपने बाकी के जीवन को अध्यात्म में व्यतीत करूंगा। गुरुजी ने कहा, नहीं राजन, अब मैं राजा हूं और खजाना भी हमारा है। हम आपको हमारे खजाने में से कुछ भी नहीं लेने दे सकते हैं। राजा ने फिर कहा, तो ठीक है महाराज, मैं अपने लिए कोई नौकरी खोज लूंगा और किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा। गुरुजी ने फिर कहा, अगर तुम कोई नौकरी ही करना चाहते हो तो तुम मेरे पास ही नौकरी कर लो। मेरे पास एक नौकरी है तुम्हारे लिए, क्या तुम मेरी ये नौकरी स्वीकार करोगे? राजा ने कहा, महाराज, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। आप जो काम भी कहेंगे मैं सब करने को तैयार हूं। गुरुजी ने फिर से मुस्कुराकर कहा, मेरे पास राजा की नौकरी खाली है तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूं कि तुम राजा की नौकरी कर लो और हर महीने खजाने में से अपनी तनख्वाह प्राप्त करते रहो। राजा ने हाथ जोड़कर गुरु को धन्यवाद कहा और अपने महल में वापस लौट गया। राजा समझ गया था कि उसके गुरुजी ने उसकी चिंता का बहुत ही सुंदर और सरल उपाय उसको दे दिया था। लगभग एक वर्ष के बाद गुरुजी एक दिन राजा से मिलने उसके महल में गए। उन्होंने देखा कि राजा बहुत ही खुश था और उसको कोई भी चिंता नहीं थी। मित्रों, राजा ने नौकर के रूप में जनता की सेवा करना स्वीकार कर लिया था। वो थोड़ी सी तनख्वाह हर महीने ले लेता था और उसमें ही अपना गुजारा करता था। अपने भोजन के सिवा अब उसके कोई भी खर्च नहीं थे। राज्य पहले से भी बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गया था। वही राजा था, वही राज्य था और वही जनता थी, पर सबकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क आ गया था। सिर्फ दृष्टिकोण बदल गया था। अगर आज के राजनेता और विशेष करके सत्ताधारी दल के नेता अगर खुद को जनता के सेवक मान लें और सिर्फ अपनी तनख्वाह से ही संतुष्ट हो जाएं, तो कोई भी देश बहुत जल्दी सुखी और संपन्न हो सकता है। जरा सोचिएगा।